चलो ध्यान दो। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में पढ़ लिया था, खत्म हो गया था सारे के सारे क्वेश्चन। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ऑलरेडी फॉर्मेट अच्छे से हम लोगों ने सीख लिया है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो जल्दी से लाइए, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लाओ बुक, लाओ जल्दी से नया वाला बुक। चलो किताब में देखो सब लोग। लिखा है क्वेश्चन में कैलकुलेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको क्या करना है सर? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेशन से, यानी कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कितना रिवेन्यू हुआ है ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद लिखा है अदर इनकम से भी बताना है। और इस प्रकार से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम जब आप जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आप बता दीजिए, टोटल रिवेन्यू बता दीजिए कितना होगा फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लिखा है सेल्स 6 लाख। चलो फिगर बताओ जल्दी से। सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपया। सेल ऑफ स्क्रैप 12,500। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट 50,000 के बाद डिविडेंड रिसीव्ड 25,000। तो आप लोगों को करना क्या है सर? तो आप सभी को ये दिए गए इंफॉर्मेशन से एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के और बस रिवेन्यू साइड में टोटल रिवेन्यू बता देना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना हुआ है, और उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर रिवेन्यू यानी अदर इनकम कितना हुआ है, और इस प्रकार से आपको बताना है कि सर टोटल रिवेन्यू कितना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोग समझ गए होंगे और आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, फॉर्मेट बना के प्रेजेंट कर देना है क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी से मेरे साथ साथ सभी लोग बनाएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, जल्दी करो, ये तुम्हारा हो जाएगा। चलो ध्यान दो, पार्टिकुलर, इसके बाद डिटेल्स और फिर अमाउंट। डिटेल्स अमाउंट ही है एक्चुअली में, ये मतलब प्लस माइनस जो करना होगा वो जो हम लोग इनर कॉलम में करते थे ना, वो इस वाले कॉलम में कर लेना, इसलिए लिखे हैं। तो चलो ध्यान दो, नोट अगर बनाओगे तो नोट नंबर लिख देना। ठीक है, और हम तो कहेंगे कि नोट नंबर, आप लोग नोट नंबर का कॉलम दे दीजिए, सही रहेगा। नोट नंबर का एक कॉलम दे दीजिए, क्योंकि नोट नंबर का कॉलम दे दीजिएगा तो सही इसलिए रहेगा कि सर आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो नोट नंबर के लिए एक अलग से कॉलम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट नंबर ठीक है, लेकिन जब नोट नंबर लिखेंगे तो डिटेल्स अमाउंट का कॉलम नहीं रहेगा फिर। तो फिर जब नोट अलग से करेंगे, वर्किंग नोट या नोट्स टू अकाउंट अलग से बनाएंगे, तो डिटेल्स अमाउंट का क्या जरूरत है कि नहीं? तो इसको यहां से हटा दिया जाएगा। फिर डिटेल्स अमाउंट का कॉलम का कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर नोट नंबर कर दो इसी को अमाउंट, और ये हो जाएगा तुम्हारा पार्टिकुलर। फिर तुम्हें जब कैलकुलेशन करना नहीं है तो ये फॉर्मेट भी तुम्हारा इतना बड़ा नहीं होगा, इसको थोड़ा छोटा तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। और यहीं पर क्या बना सकते हो?
यहीं पर तुम बना सकते हो नोट्स टू अकाउंट। चलो ध्यान दो, नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट के लिए भी कॉलम यहीं पे खींच सकते हो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि आवाज बंद नहीं हो रहा है। साथ साथ अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताइए फॉर्मेट में ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, हेडिंग में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, बोलो। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अदर इनकम, और यही क्या बन जाता है, टोटल रिवेन्यू बन जाता है कि नहीं। तो बस आपको ऐसे दिखा देना है, बस अमाउंट वर्किंग नोट में कर लेना है। तो सबसे पहले नोट नंबर में किसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो चलिए लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखा जाएगा सबसे पहले सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, बोलो कितना दिया है, 6 लाख रुपया। उसके बाद रिटर्न भी कुछ हुआ है सेल्स में से, तो लेस करेंगे ना उसको, लेस रिटर्न कितना रुपया, 1 लाख रुपया। टोटल माइनस करके बाहर करेंगे कितना जाएगा, 5 लाख रुपया जाएगा ना बाहर, बोलो ना। और उसके बाद कुछ कुछ कबाड़ी भी बेचे हैं, कबाड़ी स्क्रैप है ना, तो उसको भी तो लिखेंगे ना, वो भी तो सेल माना जाएगा, तो सेल ऑफ स्क्रैप लिख लेंगे कुछ, सेल ऑफ स्क्रैप लिख लेंगे कुछ। और वो कितना हुआ है बोलो, 12,500। और इस प्रकार से क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया है, बोलो ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा हो गया है 5,12,000 रुपया। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने यहां लिख सकते हो 5,12,000, अच्छा 5,12,500 रुपया है ना, 500 रुपया, चलो ठीक है। अब क्या करना है सर, अब यही अमाउंट को ऊपर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा देना है, 5 कितना रुपया, 5,12,500 रुपया, यहां पर 5,12,500 रुपया, ठीक है। चलो नोट नंबर 1 यहां दे देंगे हम लोग, है कि नहीं। अब दूसरा अदर इनकम का करना है कैलकुलेशन, किसका दूसरा नंबर लिखना है, अदर इनकम, ठीक है। तो अदर इनकम के बारे में लिखेंगे, अदर इनकम के बारे में लिखेंगे क्या क्या दिया था इंफॉर्मेशन में अदर इनकम, सर इंफॉर्मेशन में अदर इनकम के बारे में क्या क्या लिखा था, तो लिखेंगे अदर इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन जो दिया था सेल्स रिटर्न सेल ऑफ स्क्रैप के बाद, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितना रुपया, 50,000, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 25,000 रुपीज, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो गया, ये 75,000 रुपया, ठीक है। और इसी 75,000 को क्या करेंगे, अदर इनकम में ले जाके यहां लिख देंगे दो नंबर हेडिंग डाल के, दो नंबर नोट नंबर 75,000 रुपया। चलो इस प्रकार से टोटल कोई बताएगा, जल्दी से बताओ टोटल कितना हुआ, 5,12,500 प्लस 75,000 टोटल रिवेन्यू कितना हुआ,
587,500। चलो देखो हो गया क्वेश्चन खत्म, आंसर मैच कर रहा है। बोलो आंसर मैच कर रहा है? यस सर, टोटल रिवेन्यू 587,500 आंसर मैच कर रहा है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बना लेना है, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, फटाफट बना लेना है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 भी बना लोगे? 15 भी सेम क्वेश्चन दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर रिवेन्यू पहचान के टोटल रिवेन्यू बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बना लोगे? लो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सब लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चलो जल्दी से बताओ। यहां लिख लेंगे पार्टिकुलर, यहां पे नोट नंबर और यहां पे अमाउंट। तो बोलो दो ही आइटम तो लिखना होता है क्या? पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, और उसके बाद लिखना होता है दूसरा में अदर इनकम, और इस प्रकार से तुम्हारा बन जाता है यहाँ पे टोटल रिवेन्यू है ना, बस ऐसे लिख देना होता है। यहाँ पर नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2, चलो वर्किंग नोट में मतलब नोट्स टू अकाउंट में सीधे हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट में फटाफट सिंपल सा एक फॉर्मेट खींच लेना है नोट्स टू अकाउंट का। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट के फॉर्मेट में यहां हो जाएगा पार्टिकुलर, यहां पे हो जाएगा रुपीस, सबसे पहला नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो जो आइटम दिया होगा वो आइटम लिख लिया जाएगा। तो बोलो कोई ऐसा आइटम दिया है जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा? सबसे पहला आइटम दिया है डिविडेंड रिसीव्ड, क्या लगता है आप लोगों को डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आना चाहिए? डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आना चाहिए? हाँ जी सुनो सुनो सुनो, आप सभी को जब हम फॉर्मेट बता रहे थे तो उस समय पर आप लोगों को बताए थे कि सर डिविडेंड वगैरह तो सर बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी थोड़ी होता है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वहां से डिविडेंड मिल गया, तो आप लोग कहिएगा सर ये अदर इनकम में चला जाएगा। बट जरा क्वेश्चन का हेडिंग तो पढ़िए, क्वेश्चन का हेडिंग तो पढ़िए, लिखा है क्वेश्चन का हेडिंग में लिखा है कैलकुलेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है
अदर इनकम कैलकुलेट करना है एंड टोटल रिवेन्यू भी कैलकुलेट करना है फॉर ए सर किसके लिए कैलकुलेट करना है ये सर? फाइनेंशियल कंपनी के लिए। कंपनी कैसी है? फाइनेंशियल कंपनी है सर, मतलब फाइनेंस में ही वो डील करती है। वो बिजनेस डील के किस में करती है? फाइनेंस में। और फाइनेंस में डील करने का मतलब समझ रहे हो, एक तरह से बैंकिंग कंपनी है। और बैंकिंग कंपनी या फाइनेंस कंपनी होने का मतलब ये हुआ कि उसका मेन जो रिवेन्यू है वो यही हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड, और यही सब उसका मेन रिवेन्यू माना जाएगा। समझ रहे हो बात? फाइनेंशियल कंपनी है ना जी, तो उसका मेन रिवेन्यू ये माना जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह और डिविडेंड वगैरह। फाइनेंस कंपनी अगर नहीं होता, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई होता, ट्रेडिंग कंपनी होता, तो फिर उस कंपनी में ये डिविडेंड या इंटरेस्ट वगैरह जो हो जाता इनकम, ये अदर इनकम होता। लेकिन फाइनेंस कंपनी का ये मेन रिवेन्यू होता है, मेन इनकम होता है। समझ गए बात? नहीं समझे तो इसलिए डिविडेंड रिसिप्ट किस में आएगा? डिविडेंड रिसिप्ट बोलो ना किस में आएगा जी? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो लिख लिया जाए सबसे पहले यहां पे डिविडेंड रिसीव्ड कितना रुपया? नहीं बोलोगे? 2,50,000। अगला बोलो, अगला आइटम कौन सा दिया है? कमीशन रिसीव्ड, ये भी उसी में आएगा। कमीशन रिसीव्ड, ये भी उसी में आएगा, ठीक है। कितना रुपया? 25,000। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी उसी में आएगा। बोले थे ना फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा, डिविडेंड कमीशन, ये सब उसका मेन काम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन, नहीं होगा बात बंद। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 15,00,000 रुपया, ठीक है। तो चलो अगला आइटम क्या दिया है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब देखो फाइनेंस कंपनी का बिल्डिंग बनाना काम थोड़ी है, बिल्डिंग बेचना काम थोड़ी है, तो ये तो अदर इनकम में चला जाएगा, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इतना ही दिया है। अगला आइटम मिसलेनियस इनकम, तो ये भी अदर इनकम हो जाएगा, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इतना ही दिया था। तो चलो टोटल कर दो, टोटल करो कितना हुआ? अरे यार 15,00,000 और 2,00,000, 17,00,000 आप 50,000 यानी 17,75,000 रुपया, ठीक है। और इसी को ऊपर कहा करोगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक नंबर में लिख दोगे 17,75,000 रुपया, ठीक है। दूसरा नंबर यहां बनाओगे क्या? अदर इनकम, अदर इनकम। और मालूम है ना, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आया वो सब कहां जाएगा? अदर इनकम में। तो तीन गो तो आ गया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, अब तीन गो के अलावा जो जो बचा है वो डाल दो यहां पे अदर इनकम में। कौन कौन सा बच गया है? बोलता ही नहीं है सब, तो बोलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, वेरी गुड, बिल्डिंग। अगला बोलो मिसलेनियस, मिसलेनियस इनकम, ठीक है। चलो कितना कितना रुपया दिया था? 1,75,000 और 15,000, तो बताओगे टोटल कितना हुआ? यहीं पे बता दो, बोलो 1,75,000 और 15, 1,90,000 रुपया, कोई दिक्कत? तो यहाँ दो नंबर में कितना लिख दोगे? 1,90,000 रुपया। टोटल जोड़ के बताओ, टोटल रिवेन्यू बताओगे? चलो कैलकुलेटर पे बोलो, कैलकुलेटर पे बोलो कितना कितना लिखे, कितना कितना लिखे कैलकुलेटर पे? 17,75,000 प्लस 1,90,000 बराबर 19,65,000। आंसर देखो तो दिया है क्या? आंसर दिया है क्या बोलो? कोई दिक्कत किसी को? आंसर मैच कर गया सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था सर ये तो, है ना। अच्छा इन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला बैलेंस शीट से ज्यादा आसान नहीं है, बहुत आसान है सर। एक क्वेश्चन और आप लोग को बना देते हैं, आज चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16-17 में से कोई एक बनवा देंगे, जिसमें बोला है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ढेर सारा आइटम दिया है, मतलब इनकम से भी रिलेटेड और एक्सपेंसेस से भी रिलेटेड, और प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो कोई बोलिए, 16 में भी दिया है, 17 में भी, कोई एक बनवा देते हैं। कौन सा बनवा दें? 17 बनवा देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग?
सर ये ऑलरेडी छोटा है, आप कितना छोटा करें। तो यहीं से तो शुरू हुआ है क्वेश्चन, पहला यही आइटम है। उसके ऊपर बस वो लिखे हैं पार्टिकुलर और अमाउंट, समझ रहे हो बात। इसके ऊपर सिर्फ पार्टिकुलर, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर जरा सब लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के बुक में बनाना है। क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन कब बनाना है, 31/3/2022। चलो फटाक से फॉर्मेट खींच लेना है, और फॉर्मेट तो इसका बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं फॉर्मेट में किसी को तकलीफ तो नहीं। चलो देखो फॉर्मेट में एक अमाउंट के लिए कॉलम हो जाएगा और एक कॉलम हो जाएगा नोट नंबर के लिए, ठीक है। लिखेंगे पार्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, और सबसे पहले ऊपर बताइए क्या लिखते हैं हम लोग, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम, उसके बाद टोटल। ये तो मतलब सर फिक्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा, समझ गए बात। और यहां से शुरू हो जाता है एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज में अब देख लेना है कौन कौन से सब हेड से संबंधित आइटम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला आइटम क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आपको क्या लगता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहां जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन कहां जाना चाहिए, एक्सपेंस में कहां, एक्सपेंस में तो जाएगा, एक्सपेंस में कहां जाएगा, बोलो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा। सर डेप्रिसिएशन तो एक अलग आइटम ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के नाम से सबसे लास्ट में आता है वो, तो शुरू में भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। अब आ गया है क्वेश्चन में तो ऊपर लिख लो ऐसे करके तीन नंबर डाल के, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, बस लास्ट 2 मिनट और। उसके बाद अगला आइटम दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्टेड, तो बताओ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां जाएगा। तो एक आइटम होता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसी में आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा बताओ, तो चेंजेज इन इन्वेंट्री एक आइटम था, आप लोगों को याद है क्या, चेंजेज इन इन्वेंट्री के नाम से, चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जिसमें हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को एडजस्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप चाहे ना तो आप लोग बना सकते हैं नोट्स टू अकाउंट, तो चलिए एक नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं नीचे, छोटा सा नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं यहां पे। और नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे एक नंबर यहां डाल देंगे और लिखेंगे चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
और इसके अंतर्गत लिखा जाएगा ओपनिंग इन्वेंटरी। देखो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी भी दिया है क्वेश्चन में। ओपनिंग इन्वेंटरी कितना दिया है? 40,000। उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी, कितना दिया है? 30,000। माइनस करने के बाद बाहर कितना जाएगा? तो 10,000 रुपया ही हमारा बाहर जाएगा चेंजेस इन इन्वेंटरी के नाम से। तो यहाँ पर नोट नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि पहले बार हम लोग नोट नंबर यही ये है नोटिंग, और ये अमाउंट 10,000 रुपया बाहर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आइटम क्वेश्चन में क्या दिया है सर? वेजेस दिया है। क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया ना एडजस्टमेंट, ओपनिंग इन्वेंटरी के साथ क्लोजिंग इन्वेंटरी भी हो गया। वेजेस दिया है, सेल्स दिया, तो सेल्स तो कहां चला जाएगा सर? सेल्स तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, बोलो ना। और सेल्स का अमाउंट कितना दिया है? 20,00,000 रुपया, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा 20,00,000 रुपया। ये सेल्स है ना, 20,00,000 वहां चला जाएगा। उसके बाद वेजेस कहां जाएगा बताओ? वेजेस या सैलरी ये सब कहां जाता है? 20,00,000। वेजेज एंड सैलरी कहां जाता है? इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, याद है आप लोगों को? तो यहां दो नंबर डाल देंगे। देखो यहां दो नंबर लिख देंगे, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेज, और इसके अंतर्गत लिख दिया जाएगा वेजेज कितना रुपया है? बोलो वेजेज कितना है? बोलना ही नहीं है। 2,40,000। और सैलरी कितना है? 2,00,000 रुपया। टोटल बाहर कितना जाएगा? 4,40,000 जाएगा। ठीक है, वेजेज एंड सैलरी हो गया, और इसी 4,40,000 को हम लोग कहां लिख देंगे? ठीक है, कहां लिखेंगे इसको बोलो? वेजेज एंड सैलरी को इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से नोट नंबर कितना डाल देंगे? 2। और कितना रुपया आया था? 4,40,000 इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइटम दिया है क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। तो आप लोगों को फाइनेंस कॉस्ट याद है? फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर जो दिया है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत लिख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे फाइनेंस कॉस्ट, और इसी के अंतर्गत लिख दिया जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत ही इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर जो कि कितना रुपया है? 20,000 रुपया। तो फाइनेंस कॉस्ट कितना नंबर हो गया? 3 नंबर, अब 20,000 रुपया यहां लिख दिया जाएगा। ठीक है, बस अगला आइटम ओपनिंग स्टॉक को तो हम लोग पहले ही एडजस्ट कर लिए हैं। तो बस अब क्या करना है? टोटल कर लेना है। टोटल कर सकते हो? अदर इनकम में कुछ नहीं दिया था क्या जी? अदर इनकम में कुछ नहीं दिया था, एंड टोटल रिवेन्यू ही क्या बन गया? मैंने टोटल रिवेन्यू वही बन गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20,00,000। यहां टोटल एक्सपेंस बताओ, टोटल एक्सपेंस बताओ कितना हुआ? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का अमाउंट कितना था? 32,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आया था? 10,000। बोलो ना,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था? 8 लाख रुपया हो गया। और कोई छूटा है? नहीं। टोटल एक्सपेंस अब बता दो जल्दी से, टोटल एक्सपेंस बताओ। चलो कैलकुलेटर पे बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर पे बताओ जल्दी से। 8,32,000 और 10,000 कितना हुआ? 8,42,000। 8,42,000 प्लस 4,40,000 प्लस 20,000 बराबर 13,02,000। और इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ? टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करो, 20 लाख में से माइनस कर दो, बराबर 6,98,000 इज योर आंसर। हो गया? चलो 6,98,000 आपका आंसर हो गया। और इसके साथ ही क्वेश्चन और चैप्टर दोनों खत्म होता है। यस बिल्कुल। चलिए।